प्रदेश में नई पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी होने के बाद जहां पंचायत स्तर पर लोग अपनी पंचायत के टूटने व नई पंचायत में शामिल करने का विरोध जता रहे हैं, तो वहीं प्रदेश के दोनों प्रमुख दल कांग्रेस व भाजपा के नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी सरकार पर पिक एंड चूज की नीति अपनाने की बात कह रही है, तो भाजपा नई पंचायतों के गठन में पूरी पारदर्शिता अपनाने की बात कर रही है। हमीरपुर के उपायुक्त कार्यालय में विभिन्न पंचायतों से आए प्रतिनिधि मंडलों ने उनके गांवों को नई पंचायत में शामिल करने का विरोध जताया। चैकी कनकरी पंचायत में शामिल होने का विरोध करने पहुंचे ग्रामीण सुरेश ने कहा कि उनके गांव को पंचायत टिक्कर में रहने दिया जाए क्योंकि नई पंचायत उनके गांव से काफी दूर है, वहीं उनके वार्ड की संख्या भी ज्यादा है। तो भोरंज के सदरियाना पंचायत के अनिल शर्मा व अन्य लोगों ने भी नई पंचायत रोही में शामिल होने से इनकार किया। रोही पंचायत में शामिल होने वाले वार्डों के लोगों का कहना है कि रोही गांव मेन पट्टा अवाह देवी रोड से 2 किलोमीटर लिंक रोड पर है। उन्होंने कहा कि इस गांव के लिए बस सुविधा भी नहीं है, जबकि इसमें शामिल किए गए टकोत्ता भट्टा, टकोत्ता ब्राह्मणा तथा डुंगरी गांव जिनके 3 वार्ड हैं, ये मेन रोड पर हैं और यहां के लिए बस सुविधा भी है। लोगों ने उपायुक्त से मांग की है कि पंचायत का नाम रोही ना करके डुंगरी किया जाए, या फिर यदि पंचायत का नाम रोही ही करना है तो पंचायत घर डुंगरी में किया जाए। ग्रामीणों ने समस्या हल ना होने पर पंचायत चुनावों के बीच कर करने की भी चेतावनी तक दे डाली। पंचायत में नहीं जाना चाहते क्योंकि हमें टिक्कर जो है बिल्कुल 500 मीटर के ऊपर है, जबकि हम चौकी में जाते हैं तो हमें 3 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है। अब हम यही कहेंगे डीसी साहब से कि हम चौकी कनिक में नहीं जाना चाहते हैं, और चौकी कनिक वाले ये कह रहे हैं कि हमें हमारी पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, हम इनको नहीं लेना चाहते सम्राड़ा वालों। हम जो पुरानी पंचायत है टिक्कर वहीं रहना चाहते हैं। हम वो करेंगे, हम चुनावों का बहिष्कार करेंगे, हम वार्ड पंच नहीं भेजेंगे, ना ही पंचायत प्रधान, ये कोई नहीं लेगा। लेकिन सही विधानसभा सही जब तक हमारा काम सॉल्व नहीं होता है तब तक हम आने वाले से भी चुनाव बहिष्कार करेंगे। चिकन के साथ समराला में लाया तो 2500% हो जाती है हमारी, तो फिर ये पुनर्गठन करने का क्या मतलब है? जब इतनी ज्यादा जनसंख्या हो गई तो हमारी जो चौकी करने की लग पंचायत बढ़ना चाहिए, कोई नहीं, लेकिन जनसंख्या बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, 2500 जनसंख्या हो जाती है। हम यहाँ डीसी ऑफिस में आया हूँ, तो हमारी मांग ये है कि जो हमारी नई पंचायतें बन रही हैं, पुनर्गठन उसका हो रहा है, तो उसमें जो सरासर गलत हो रहा है, जो रोही पंचायत इसके सर हमसे बन रही है सरासर गलत हो रहा है, तो हमारी मांग ये है कि इस पंचायत को रोही से डुगरी गांव के नाम से किया जाए, या तो हमें फिर पुरानी पंचायत में सुरैण में रहने दिया जाए। मंडी उपज समिति के चेयरमैन अजय शर्मा ने कहा कि नई पंचायतों की मांग काफी लंबे समय से चली आ रही थी, जिसे काफी कम समय में पूरा किया गया है और सरकार से पूरी पारदर्शिता के साथ पंचायतों का गठन किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री व पंचायती राज मंत्री को नई पंचायतों का रिकॉर्ड समय में गठित करने के लिए बधाई दी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री आदरणीय श्री वीरेंद्र कंवर जी ने बहुत कम समय में बहुत बेहतर प्रयास करते हुए, कई वर्षों से पंचायतों के पुनर्गठन का मामला हिमाचल प्रदेश में लटका हुआ था, दशकों से इनका पुनर्गठन नहीं हो पाया था, लेकिन माननीय कृषि मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी के अथक प्रयासों से, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में इन पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया बहुत ही कम समय में पूरी हुई है। इसके लिए मैं जहाँ प्रदेश सरकार को वहाँ पंचायती राज मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत सी पंचायतें और भी पुनर्गठन की राह देख रही थी, लेकिन कहीं प्रस्तावों के जाने में देरी के कारण से, कहीं कुछ अन्य तकनीकी कमियों के कारण से उनमें विलंब हुआ है, लेकिन आने वाले समय में उनको भी पूरा किया जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर पिक एंड चूज की नीति के तहत नई पंचायतों के चयन का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि सरकार राजनीतिक लाभ लेने के लिए नई पंचायतों का गठन कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पिक एंड चूज की नीति के तहत केवल उन्हीं पंचायतों का गठन किया जहाँ उन्हें फायदा दिखा। कौशल ने आशंका जताई कि आने वाले पंचायत चुनावों के लिए जारी होने वाले रोस्टर में भी भाजपा सरकार छेड़खानी करेगी। पंचायतों के पुनर्गठन में कहीं ना कहीं
भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो नजर आ रहा है। जो पार्टी जो इन्होंने जो पंचायतें तोड़ी हैं, जहां इनको जरूरत थी, जहां इनको लगता था कि इनका इसमें कोई पॉलिटिकल गेन हो सकता है, उस एजेंडे को ध्यान में रखकर इन्होंने जो पंचायतें हैं उनका डिलिमिटेशन किया है, उनका पुनर्गठन किया और नई पंचायतें क्रिएट की। और एक चीज में और जोड़ना चाहूंगा कि अभी जो एक रोस्टर आएगा रिजर्वेशन का, उसके साथ भी एक राजनीतिक दृष्टिकोण से ये उसको अपने हिसाब से मैनेजमेंट करने के लिए प्लानिंग जो है वो कर रहे हैं। देखेंगे अगर इस तरीके से कहीं कोई चीज आती है तो बहुत से लोग हैं पंचायतों में भी जो पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, वो अलग किसी पार्टी के भी हो सकते हैं, तो निश्चित तौर पर मामले जो है वो अदालतों में जाएंगे। और इतना आसान मैं समझता हूँ सरकार के लिए पॉलिटिकली इन चीज़ों को मोटिवेट करना होगा।